हेलो फ्रेंड्स, क्विकली मार्केट का स्टेटस देख लेते हैं। आज 31 मई है और अभी बज रहा है 10:18। तो देखिए, आज निफ्टी अभी पॉजिटिव अभी ओपन हुआ, 51 पॉइंट से भी ज़्यादा आप है, 0.33%। सेंसेक्स का अभी देखिए 200 पॉइंट से भी ज़्यादा आप है, 206 पॉइंट से ज़्यादा आप है, मतलब 0.40% यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। FNO में भी आप है 48.65 पैसा, जो कि 0.31% आप है। अब गेनर्स लिस्ट में आप देख सकते हो, गेनर्स लिस्ट में भी आपको दिखाई देगा एक जो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है वही स्टॉक्स, ITC 217%। ICICI बैंक है, अब इसका करेंट प्राइस 655 रुपीज़। रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, टाइटन है, ठीक है। और इसके बाद है लूजर्स में हम लोग देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फी, सन फार्मा, टेक महिंद्रा एंड HCL टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोस्ट एक्टिव वाला स्टॉक्स, जो स्टॉक्स वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो है इन्फोसिस। यहाँ पे देख सकते हो आप रिलायंस, महिंद्रा महिंद्रा, HPI तो हद कर दिया, 422 रुपीज़ आज, बहुत ही बढ़िया। ITC 4 पॉइंट आज बढ़ गया ITC में 207, क्योंकि इसका टारगेट है 250-260 रुपीज़, तो इसको बढ़ना ही था। अब वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो आप देख सकते हो ITC फिर से वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा है, इन्फोसिस, SBI, रिलायंस, महिंद्रा महिंद्रा। तो ITC का जो शॉर्ट टर्म टारगेट 250-260 था, उसी की तरफ वो जा रहा है। और भी जो डिटेल्स, जो एडिशनल स्टॉक्स है, AstraZeneca का स्टॉक्स भी 24 रुपीज़ बढ़ गया। टाटा स्टील बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अभी। SCBN का जो स्टॉक्स है वो बहुत ही बढ़िया है, ये शॉर्ट टर्म के इसका टारगेट 30 रुपीज़ है। Pfizer का स्टॉक्स देखिए आप, ये भी बढ़ेगा आज 50-60 रुपीज़ तक, तो बढ़ेगा आज, बढ़ना चाहिए। लिस्ट भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है, फिर से अगर 13 रुपीज़ में ये स्टॉक्स आएगा तो इसको आप बुकिंग कर सकते हो, फ्रेश बाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि PC चंद्र ज्वेलर्स का क्या स्टेटस चल रहा है आज। PC चंद्र ज्वेलर्स का जो स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में बहुत ही एक अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे स्टॉक्स थोड़ा सा डाउन है, तो 24 रुपीज़ में इसका गुड बाई होगा। और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स 50-60 रुपीज़ भाग सकता है, तो ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।